हेलो गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर ही होंगे। गाइस, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, पूरे देश में फ्रेंड्स अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो गाइस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही हम लोगों को लाइव में आकर कहा है कि रात के 12 बजे के बाद दोस्तों ये पूरे देश में लागू हो जाएगा कि फ्रेंड्स आपको अनखे का बाहर में नहीं घूमना है। अगर दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो फ्रेंड्स आपका घर का कोई एक मेंबर जाके दोस्तों उस वाले काम को कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी दोस्तों इस बीमारी को फ्रेंड्स आप बाहर में घूम कर अपने घर पर मत लाइएगा। तो गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस मुश्किल के दौर पे दोस्तों आप अपने घर पर ही रहिएगा। मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। तो गाइस, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, गाइस मैं उस भी तरह का आपको वीडियो बनाना सिखाऊंगा। गाइस, इस वीडियो को दोस्तों फर्स्ट बार इस भाई ने बनाया है। जैसे गाइस इस भाई ने इस वीडियो को बनाया है, मैं गाइस देख रहा हूँ कि इस वीडियो में दोस्तों इस टाइम पे दोस्तों अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी कुछ इस तरह का फनी वीडियो बना के दोस्तों टिकटॉक में अपलोड करते हो तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो सकता है, या फिर आपको उस वीडियो में लाइक्स और फॉलोअर आने के आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो गाइस, आपको अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स बताइए कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों अभी कुछ इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर इस तरह का वीडियो बना के अपना लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे सर्कल ओना में। गाइस, अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों, आपको यहां पर फर्स्ट पार्ट में यहां पर कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लेना है, और गाइस आपको सेकंड पार्ट पे यहां पे कुछ इस तरह जिस तरह दोस्तों मैंने किया है आप भी गाइस अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस, चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों यहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइंड मास्टर का प्रो मोड यूज करता हूँ। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रो मोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देकर रखा है दोस्तों, जहाँ से गाइस आप काइंड मास्टर प्रो मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपको बीच में न्यू टी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू टी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वह है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट की हो फर्स्ट पार्ट वाला, आपको उस वाले फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों मेरा वीडियो का, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो के ऑडियो को आपको कुछ इस तरह से आपको म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोरोना का जो वीडियो है दोस्तों उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन का लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, आपको राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी वाले मीडिया में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से गाइस आपने जो अभी डाउनलोड किया है उस वाले फाइल को आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस सेम प्रोसेस में आप क्या कीजिएगा, इसका भी साउंड को आप कुछ इस तरह से म्यूट कर दीजिएगा। म्यूट कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड जो आपको राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा इसी वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है दोस्तों। और यहां से गाइस आपको क्या करना होगा, जो आपका सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो का फ्रेंड्स आपको ऑडियो को भी आपको कुछ इस तरह से आपको म्यूट कर देना होगा। म्यूट कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद दोस्तों अगर आपको इसका साउंड डाउनलोड करना है दोस्तों तो आप क्या कीजिएगा, मेरा टिकटॉक आईडी से दोस्तों मेरा इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आपको जो लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा इसी वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा
और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में सिलेक्शन करके अपना गैलरी को ओपन करना है दोस्तों। और यहाँ से गाइज आपको जो पूरा वीडियो है उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको जो कैंची का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले सीजन में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको लास्ट में इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो वीडियो है इस वीडियो का ऑडियो फ्रेंड्स आपके नीचे में यहाँ पर चला आएगा। और गाइस आपको क्या करना है इसको फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको डिलीट कर देना होगा। डिलीट कर देने के बाद गाइस अभी आप अपना वीडियो को अगर आप प्ले कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका वीडियो के एंड में आपका साउंड कम हो जाएगा। तो गाइस साउंड कम होने को बचाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले सेटिंग में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके आपको गाइस ऑडियो फेड आउट को यहाँ पर ऑफ कर देना होगा। अगर दोस्तों आप इसको ऑफ रखते हो तो आपके वीडियो के एंड में जो आपका साउंड कम होता है वो कम नहीं होगा। अब गाइस अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान सी स्टेप को फॉलो करके आप इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह का वीडियो बनाकर दोस्तों अपना लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट साइड में जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस बार शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है।